चलो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 है, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी जो है असंभव है, मतलब बी होने की प्रोबेबिलिटी कोई है ही नहीं, 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखो सबसे पहले तो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब नीचे की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 0 दिया हुआ है, अब नीचे वाली चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 0 दिया हुआ है तो आंसर क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड आना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। अब 17 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अगर हमें दे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बाद में बी है इधर, बाद में ए है तो ए से डिवाइड होगा, ऊपर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी कहो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहो, बात तो एक ही है, तो ऊपर वाली चीज़ें कट जाएंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी, बहुत प्यारा सा आंसर है डी, समझ में आया। तो इस तरह से 13.1 तुम्हारा ख़त्म हो गया कंप्लीट, अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग।